जो डॉगी है ना, ये मोर देन अ डॉगी है, बहुत समझदार है। मेरे लेस खोल देता है जानबूझ के, ताकि मैं जाके जैसे ही मैं अपने हाथ नीचे करूँ ना, तो ये आ जाए क्या मुझे भी प्यार करो। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी है कि लेस खोल दो, और लेस के बहाने जब बंदा हाथ अपना नीचे करे, है ना, ये दलिया जो मैं हूँ चुबा रहा, इसे खाऊंगा ना मैं दोबारा, क्योंकि कच्चा रह गया मुझसे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एंड जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप सबसे पूछा था कि हम जब किसी से अचार लेते हैं तो उसकी जगह पैसे क्यों देते हैं, तो उसके ऊपर मुझे कमेंट आए हैं। तो क्योंकि अचार होता है खट्टा, उसमें होती है खटास, तो कहीं रिश्तों में खटास ना आ जाए, तो उस मिठास को बरकरार बनाए रखने के लिए हम कुछ भी, वो टोकन ऑफ अमाउंट देते हैं, या आप एप्रिसिएशन कह लो, किसी ने हमारे लिए कुछ बनाया तो वो एप्रिसिएशन कह लो, तो वो छोटा मोटा हम रकम अदा करते हैं ताकि वो जो है रिश्तों में खटास ना आए बल्कि मिठास बनी रहे, क्योंकि ज़िंदगी में मिठास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, मिठास बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ये बड़े बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही बात एक्चुअल में क्या है, बट फिलहाल तो यही है जो हमें पता है। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर थॉट ऑन दिस, देन आप इस ब्लॉग में या पिछले ब्लॉग में अपना कमेंट ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं अभी खटास और मिठास में खाने को क्या पड़ा है घर पे। सो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे रिश्तों की, और अगर रिश्तों में अपनापन हो तो उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी मैं होम अलोन हूँ, पूजा गई हुई है, एंड खाने में मेरा हाथ थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, और मैं कितना बाहर से खाऊँ। पर वही अगर आपके रिश्ते अच्छे हों दूसरों के साथ, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक केयर अबाउट यू, जो आपकी फिक्र करते हैं। खाना नहीं बनाना आता तो मुझे सब्जी दी गई है खाने के लिए, एंड ये कह लो जैकपॉट कह लो या कुछ भी कह लो, ये मेरे लिए जैकपॉट है। ये दोनों ही हिमाचली सब्जी हैं जो मुझे खाने को मिल गई हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी आती अच्छे से। तो अभी जब मैं पुराने घर गया था तो वहाँ पे मुझे दी है सब्ज़ी, एंड मेरा तो सोने पे सुहागा हो गया। इसे कहते हैं अम्बुआ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अम्बुआ। एंड ये है लुंगड़ू की सब्ज़ी, जो वन ऑफ माय फेवरेट है। सो मैं दोनों ही चखने वाला हूँ अभी लंच में। अगर आपको हिमाचली डिशेज जो है ना वो पंजाब में मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। जब मम्मी डैडी आते हैं तो उनको तो मैं स्पेसिफिकली बोल ही देता हूँ, क्योंकि यही सीज़न होता है मई से लेकर जुलाई तक जब ये सब्ज़ी मिलती है, खासकर लुंगड़ू, लस्याड़े, पत्रोड़े तो फिलहाल अभी आए नहीं है, बट वही है कि जब कोई आ रहा होता है तो मैं स्पेसिफिकली उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करके मंगवा देता हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए ले आना, क्योंकि ये यहाँ नहीं मिलती सब्ज़ी। एंड अभी ये हो गया कि मुझे जैकपॉट कह लो कि जैकपॉट लग गया मेरा, कि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, रोटी का मुझे बस जुगाड़ करना पड़ेगा। बट अपने पास दो सब्ज़ियाँ हो चुकी हैं, एक है अम्बुआ, जिसको सोच के मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही खट्टा खट्टा सा आम की सब्ज़ी होती है। तो ये जो अम्बुआ है ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना है, मेरी मॉम थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाती, वो बनाती गुठलियों के साथ। बट वो ये कि अभी आम पूरी तरह से पके नहीं है, तो जिन्होंने ये दिया है उन्होंने मुझे इस स्टाइल का दिया है। वो ये ना हर एक स्टेट का अलग अलग, अब जैसे मैं एक बार देहरादून गया था, वहाँ पर उसको गुड़ुम्बा बोलते हैं, एंड हमारे वहाँ पर हिमाचल में इसको अम्बुआ बोलते हैं। मेरी मॉम गुठलियों के साथ बनाती है, थोड़ा ग्रेविश सा, एंड ये भी थोड़ा डिफरेंस है। वो ये हर एक, आप कांगड़ा में भी, मतलब हिमाचल में भी चले जाओ ना, तो धाम भी अलग अलग टाइप की होती है। हिमाचली धाम में भी कांगड़ी धाम, शिमला साइड जाओगे तो शिमला का अलग स्टाइल है, मंडी में अलग स्टाइल है, कुल्लू का अलग है, तो हर एक जगह का अलग स्टाइल है, एंड ये उनकी जगह का स्टाइल है। सो मैं ये भी टेस्ट करके देखता हूँ। सो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। मतलब टेस्ट बड्स जागे, चटपटा एकदम। तो मैंने आपको अमेजिंग थैंक यू फॉर दिस अम्बुआ एंड द अदर सब्जी एंड लेट है आओ ओ जुजु अरे चालत रे एक से, जब तक अच्छे से हेलो नहीं कर लो ना ये मान के नहीं रहती। टैंक है तो टैंक पिला दो यार, बहुत गर्मी है। सो मैं जब अपने पुराने घर का पेंट देखने आया तो साथ में हमें विवेक और जुजू से भी मिलने आया, है ना जुजू, मिलना ज़रूरी ना तेरे से।
जो डॉगी है ना, ये मोर देन अ डॉगी है, बहुत समझदार है। मेरे लेस खोल देता है जानबूझ के, ताकि मैं जैसे ही अपने हाथ हाथ नीचे करूँ ना, तो ये आ जाए क्या मुझे भी प्यार करो। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी है कि लेस खोल दो, और लेस के बहाने जब बंदा हाथ अपना नीचे करे है ना, तो प्यार भी करवा लो अपने आप को। प्यार का भूखा है ये, देखा ये। फिर पंखे तो आपके फील भी नहीं हो रहे, चल रहे कि चल रहे हैं। गर्मी अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि अब फिर आपको कुछ काम करने निकलना है ना, तो शाम के अलावा मतलब या तो बिल्कुल शाम को निकलो जब शाम हो जाती है, पर ये शाम शाम को नहीं निकल सकता था। बट अभी भी कितने 5:30 होने लगे हैं और इतनी गर्मी है, देख रहा मेरा क्या हाल हो रखा है। तो मेरी तन की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने विवेक को बोला कि भाई टैंक पिला दो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बाकी मैं गोरा लग रहा हूँ यार, ऐसे मुझे लग रहा है मैं गोरा होते जा रहा हूँ दिन प्रतिदिन। जैसे कि मैं इतने दिन होम अलोन कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं ना शादी के बाद बंदा अछाड़ा हो जाता है, तो मेरा अछाड़ापन थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला, आज पूजा वापस आ जाएगी। तो बहुत टाइम से जो एक आदमी जो छड़ा घूम रहा है, जो वो चीड़ा हो चुका है। ज़्यादा टाइम अगर बंदा छड़ा रहे ना, तो वो चीड़ा हो जाता है। तो मैं तो चलो आज छड़ा से फिर से वो आ जाऊंगा ना उसी वाले स्टेटस में, क्योंकि पूजा पहुंचने वाली है। कोइंसिडेंटली हम लोगों ने टी-शर्ट के कलर भी सेम पहना, तो हमने बोला दोनों छड़े थोड़ी गेड़ी गुड़ी मार लेते हैं, फिर बाद में फिर तो पूजा ने आ ही जाना। ये तो छड़ापन अभी इंजॉय कर रहा है, इसका भी थोड़ा हनीमून पीरियड ज्यादा है। अकेले वाला हनीमून, अकेले सिंगल। सो बाहर तो इतनी ज्यादा गर्मी कि हमने सोचा कि बाहर क्या ही घूमना, और साथ में आज इंडिया का मैच भी है, तो हमने सोचा घर पे बैठते हैं। और इसी बहाने में विवेक पहली बार घर आया, तो ये घर भी देख लेगा। आज शगन देके जाना पड़ेगा इसको। हाँ, मैंने सारे लड़के बुला लिए कि शगन देके जाएं, वरना फिर यहीं पे हमने धर लेने हैं। हाँ। तो एक तो पहुंच गया, फिर दूसरा तीसरा आएगा, फिर हम इतने में पूजा भी। विवेक को इतनी ज्यादा संचिता की याद आ रही थी कि ये पहुंच गया यहाँ पे पहले की, जैसे मैं खबर लू कि क्या क्या बात करी मेरे बारे में, क्या नहीं करी। बाकी सामान उठाने के लिए अलग बंदे भी मिल गए हमारे को। पूजा पुलाव बड़े अच्छे बनाती है ना। हाँ, पूजा और ज्ञान से आने से ये होम स्वीट होम होता है कंप्लीट। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, शब खैर, अनुपम खैर, खैर खैर, टेक केयर।